भोपाल पुलिस ने इंजीनियर छात्र किडनैपिंग मामले में खुलासा कर दिया है। इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर हर कोई चौंक गया है। देखिए रिपोर्ट। 16 दिन पहले ऐशबाग इलाके में इंजीनियरिंग छात्र के अपहरण की साजिश का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। खुलासा हुआ है कि छात्र ने अपनी सगी बहन के साथ मिलकर अपने अपहरण की साजिश रची थी। वारदात में बहन का शादीशुदा प्रेमी और उसका नौकर भी शामिल था। पुलिस ने छात्र, बहन और उसके शादीशुदा प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। चौथा आरोपी अभी भी फरार है। साथियों, 12 दिसंबर को जो एक आयुष चौबे नाम के युवक के अपहरण की जो घटना थी या जो रिपोर्ट आई थी उसका खुलासा हो गया है। और जो अपहृत छात्र आयुष है वो और उसकी बहन ही इस पूरे घटनाक्रम के लिए जवाबदार हैं, दोषी हैं। इन लोगों ने इस प्रकार का नाटक रचा ताकि अपने पेरेंट्स से, उनके रिश्तेदारों से वो पैसे वसूल कर सकें। छात्र ने खुलासा किया है कि महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में उस पर कर्ज हो गया था और पिता भी उसे पैसे नहीं देते थे। बता दें कि 12 दिसंबर को चाणक्यपुरी हाउसिंग बोर्ड ऐशबाग निवासी 19 वर्षीय आयुष चौबे घर से दोस्तों के घर जाने का कहकर निकला था। इसके बाद लापता हो गया था। उसका फोन भी बंद आ रहा था। परिजनों ने उसे दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश किया पर वह नहीं मिला। इसके बाद शिकायत ऐशबाग थाने में की गई थी। उसी रात को छात्र की माँ के पास 1 करोड़ की फिरौती के लिए फोन आया था। इसके बाद पुलिस ने आयुष के अपहरण का मामला दर्ज किया था। आयुष चौबे नाम का 19 वर्ष का छात्र 12 दिसंबर से पहले गायब हो गया था, जिसमें गुमशुदगी कायम हुई थी। बाद में उनके परिजन को सूचना मिली और फोन आने लगे कि आपके लड़के का अपहरण किया गया है और इसमें पहले 50 लाख, बाद में 1 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। लगातार प्रयास करने के पश्चात आयुष और जो उससे जुड़े हुए लोग थे उनको हमने हिरासत में लिया है। आयुष ये जो अपहृत बालक है, इसकी बहन रुचिका और उसके एक साथी गौरव और विनोद कठोलिया, ये सारे लोग मिलकर इस घटनाक्रम से जुड़े हुए थे। आयुष की बहन रुचिका, जो कि प्राइवेट सर्विस में है, उनके द्वारा कुछ कर्जे की राशि को दिए जाने के लिए उन्होंने ये इस प्रकार का षड्यंत्र रचा था ताकि इस प्रकार से अपने पेरेंट्स से और पेरेंट्स के जो रिश्तेदार हैं उनसे वो कुछ राशि वसूल कर सकें। पुलिस के मुताबिक आयुष और उसकी बहन के महंगे शौक थे। बहन एक बीमा कंपनी में काम करती थी लेकिन उन्हें पैसे कम पड़ते थे। उन पर लाखों का कर्ज हो गया था। इस कारण आयुष ने अपहरण की साजिश रची। अतुल ने ही फिरौती के लिए आयुष के पिता को फोन किया था। इसके बाद संदेह होने पर आरोपियों का खुलासा हुआ। कुल मिलाकर मामले में खुलासे के बाद आरोपियों के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।